हेलो एवरीवन, माय सेल्फ इज डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको बहुत पुरानी गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, आपको हर पल पेट में गैस के कारण भरा भरा महसूस होता है, पेट में भारीपन लगता है, इवन आपको बर्पिंग होती रहती है, कंटीन्यूअस डकारें आती रहती हैं, इसके अलावा आपको इंडाइजेशन के कारण या फिर क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के कारण आपको गैस्ट्राइटिस की सीवियर प्रॉब्लम होती है, तो इस वीडियो को स्किप ना करें। ये वीडियो खासकर से आपके लिए है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है दोस्तों, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 ट्रैपिंग गैस की मेडिसिन के बारे में। जो ट्रैपिंग गैस होती है वो एक ऐसी कंडीशन होती है जब आपके पेट में गैस कहीं भी फंस जाती है और आपको एकदम डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। ना ही आपको बर्पिंग के थ्रू गैस पास आउट हो पाती है, ना ही फ्लैचुलेंस के थ्रू, उस कंडीशन को हम ट्रैपिंग गैस कहते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि ट्रैपिंग गैस की जो समस्या होती है आपको, अगर क्रोनिक है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। अगर आप अपने इन कारणों में भी कुछ सुधार कर लेते हैं तो आपको ट्रैपिंग गैस की समस्या नेचुरली ठीक हो सकती है। इसके अलावा अगर इसका कोई भी पैथोलॉजिकल कॉज है तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन शेयर करने जा रही हूँ, जिनके सहायता से आप अपनी जो लक्षण के आधार पर मेडिसिन को सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसके रिज़ल्ट 15 से 20 दिन में देखेंगे, आपकी जो समस्या है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि हम ऐसी कौन कौन सी गलतियां करते हैं जिससे हमें गैस्ट्राइटिस की समस्या हो सकती है। सबसे पहले अगर आप जो भी खाना खाते हैं उसको अगर आप अपने मुंह में ठीक तरह से चबाकर नहीं खाते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलस फॉर्मेशन कहते हैं। यानी जब भी आप खाना अच्छी तरह से चबा के खाते हैं तो आपके जब वो स्टमक में जाता है तो आपके पेट को बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, वो अच्छे से जो डाइजेस्टिव ट्रैक से हमारे जूसेस स्टिमुलेट होते हैं उनके साथ एक्यूमुलेट हो जाता है और उसका डाइजेशन बहुत अच्छे से होता है। लेकिन अगर आप सही से नहीं चबाते हैं तो पेट को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, इवन जो डाइजेस्टिव जूसेस जो सिक्रीट होते हैं वो भी अपना फंक्शन ठीक से नहीं कर पाते, जिसके कारण आपको गैस की समस्या होती है। इसलिए अपना जो भी आप खाना खाते हैं उसको ठीक ढंग से चबाकर ज़रूर खाएं। दोस्तों दूसरा कारण ये हो सकता है कि अगर आप खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो इस कंडीशन में भी आपको गैस की समस्या हो सकती है, क्योंकि जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारा जो टोटल सर्कुलेशन है यानी जो ब्लड का सर्कुलेशन है, ब्लड का जो फ्लो होता है वो हमारे स्टमक की तरह यानी पेट की तरफ होता है। लेकिन जैसे ही आप पानी पीते हैं तो आपका जो स्टमक जो गर्म होता है यानी जो हीटेड रहता है वो एकदम से ठंडा पड़ जाता है। तो आपकी जो डाइजेस्टिव जूस जब डाइजेशन की प्रोसेस में रहते हैं तो वो उससे पानी के साथ जब वो एक्यूमुलेट होते हैं तो उस कंडीशन में उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो काफ़ी कम हो जाता है, जिसके कारण भी आपको जो है गैस की समस्या हो सकती है। दोस्तों गलती नंबर 3 ये होती है कि जब हम सुबह अपने खाने की शुरुआत चाय, बिस्किट, ब्रेड या टोस्ट इन सब चीज़ों से करते हैं, क्योंकि ये मैदे से बनी होती हैं, इवन इनमें कार्ब की जो मात्रा है बहुत ज़्यादा होती है, जब हमारे पेट में जाती है तो चाय के कारण गैस्ट्राइटिस की समस्या तो होती है, साथ ही साथ जो हम कार्ब डाइट लेते हैं वो हमारे स्टमक में फर्मेंट होती है जब हम ब्रेड वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और कार्ब डाइट का उस कंडीशन में। तो आप जितना हो सके खाने की जब आप सुबह सुबह शुरुआत करते हैं तो नेचुरल फ्रूट से करें, क्योंकि फ्रूट में फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, जिसके कारण आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है और आपको गैस की प्रॉब्लम से बचाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स यानी डेयरी प्रोडक्ट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो भी आपको गैस की समस्या हो सकती है। इसके अलावा और भी कारण है, जैसे कि आप चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल या सिगरेट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो भी आपको गैस्ट्राइटिस की समस्या हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे पैथोलॉजिकल कॉजेस भी होते हैं, जैसे कि आपको स्टमक अल्सर की प्रॉब्लम है, या फिर आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS की प्रॉब्लम है क्रोनिक, या फिर आपको क्रॉन्स डिजीज़ है, अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी समस्या, तो भी आपको गैस बनने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इन कंडीशन में स्टमक में फर्मेंटेशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण आपको गैस की समस्या, ब्लॉटिंग की समस्या बनी रहती है। इसके अलावा दोस्तों आपको क्रोनिक लिवर डिसऑर्डर है या फिर आपको फैटी लिवर की प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में भी आपको गैस्ट्राइटिस की समस्या बहुत कॉमन होती है।
दोस्तों ये सभी कॉमन कॉजेज़ हैं जिनके कारण आपको गैस की समस्या हो सकती है, और भी बहुत सारे इसके अलावा रीज़न होते हैं जिनके कारण आपको गैस बनने की या ब्लॉटिंग की समस्या हो सकती है। अब दोस्तों मैं शेयर करने जा रही हूँ टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन, जो कि आपकी जो गैस की समस्या है वो आप अपने लक्षणों के आधार पर इन मेडिसिन का चयन कर सकते हैं। ये मेडिसिन जनरली आपकी जो सिम्टम्स होते हैं उनके आधार पर मैं यहाँ पे शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहली मेडिसिन है कार्बो वेजिटेबल्स। कार्बो बेस जो मेडिसिन है उसके पेशेंट को जो है जनरली डकार आने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। कुछ भी खाना खाने के बाद उनको डकार की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा इसका मुख्य लक्षण जो होता है वो पेट के ऊपरी हिस्से में यानी एपिगैस्ट्रिक रीजन में आपको गैस की समस्या बनी रहेगी। पेट के निचले या पूरे हिस्से में नहीं, ओनली आपके ऊपरी हिस्से में अगर गैस की बनने की समस्या है, और आपके नाभि के आसपास भी अगर थोड़ा बहुत दर्द हो रहा हो। इसके अलावा आप जो भी खाना खाते हैं वो खाना खाने के बाद इनडाइजेशन यानी कि अपच की प्रॉब्लम है, इसके अलावा आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन होता है यानी ठीक से स्टूल नहीं होता, तो आप इस कार्बोवेज मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्बोवेज मेडिसिन को 30 पोटेंसी में आप ले आइए। इसका पिक्चर मैंने स्क्रीन में लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। इस कार्बोवेज मेडिसिन को आप 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार इस्तेमाल करिए। आपको 15-20 दिन लगातार इस्तेमाल करना है, आपकी जो गैस की समस्या है वो पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाएगी। दोस्तों दूसरी मेडिसिन है जिसका नाम है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। इस मेडिसिन में जनरली जो पेशेंट होता है उनको खाने के तुरंत बाद ही पेट में गैस ब्लॉटिंग की समस्या होने लगती है, यानी जरा सा भी खाने के बाद अगर आपको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होती है, इवन आपको पेट के जो है लोअर पार्ट में यानी पेट के निचले हिस्से में ही गैस की समस्या आपको बहुत ज़्यादा होती है, इवन जो गैस है आपका राइट टू लेफ्ट साइड में जो है वो एक्सटेंड करता है। इसके अलावा आपको जो गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, आपको नॉइजी फ्लैचुएंस की कंडीशन बहुत ज़्यादा होती है, और इवन आप अगर बैठे रहने का काम करते हैं यानी आप कोई मेंटल वर्क करते हैं, फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा कम करते हैं, तो इस कंडीशन में लाइकोपोडियम जो है आपके लिए काफ़ी सूटेबल मेडिसिन है। इसके लिए आप लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में ले लीजिए। इसको सुबह दोपहर शाम डायरेक्ट आप अपनी जीभ पर इस्तेमाल करिए। इसको 15-20 दिन आप लगातार इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो खाने के तुरंत बाद जो गैस बनने की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, इवन जड़ से चली जाएगी। तीसरी मेडिसिन है दोस्तों चाइना ऑफिस एनेलिस। ये मेडिसिन जनरली उन लोगों के लिए सूटेबल है जिनको पूरे पेट में यानी होल एब्डोमेन में गैस फंसी हुई महसूस होती है। इसके अलावा ऐसे लोगों को इनडाइजेशन यानी अपच की प्रॉब्लम बहुत होती है, कई बार इनको वॉमिटिंग भी हो जाती है, और इवन इनको ठीक से अगर डकार नहीं आ रही है, फ्लैचुलेंस भी नहीं हो पा रहा है, और पूरा भरा हुआ पेट लगता है, आपको हैवीनेस फील होती है, टाइट फील होती है आपके पेट में, इवन जो गैस है वो मतलब आपके पेट में पूरे पेट में अगर आपके फैली हुई है ऐसा महसूस हो रहा है, तो आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करिए। चाइना को भी 30 पावर में आपको सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है। इसको भी आप लगातार 15 दिन इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपको पूरे पेट में गैस बनने की समस्या है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। चौथी मेडिसिन है दोस्तों एसाफोइटिडा। ये हींग से बनी हुई मेडिसिन है। इस मेडिसिन को लेने के लिए इसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि आपको ऐसा महसूस होता है पेट में कि आपकी जो गैस है वो पेट से लेकर गले तक आ रही है, यानी जो गैस का कोई गोला जैसा महसूस होता है आपको, जो आपके पेट से लेकर आपके गले की तक आ रहा है। इसके अलावा आपका जो खाना रहता है वो कई बार गले की तरफ ज़्यादा बढ़ता है, यानी आपको जो है वो बहुत लाउड बर्पिंग की कंडीशन होती है, यानी आपको तेज़ डकारें आती हैं, इवन आपको नाभि के आसपास यानी छोटे हिस्से में थोड़ा थोड़ा दर्द होता रहता है, कोलिक की प्रॉब्लम होती है, तो ये मेडिसिन आपके लिए बहुत सूटेबल है। इस मेडिसिन के लिए आप इसको 30 पावर में ले आइए। इसका नाम है एसाफोइटिडा 30। इस मेडिसिन को आपको 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम डायरेक्ट जीभ पे ले लीजिए। आप इसको 15 दिन इस्तेमाल करिए, आप इसके खुद रिजल्ट देखेंगे।
पांचवी मेडिसिन है दोस्तों, रेफिनस सटाइवस। ये मेडिसिन बहुत ही यूज़फुल होती है जब आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी जो गैस है वो एकदम स्टक हो चुकी है पेट के अंदर, ना ही वो अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ आप आ रही है, ना ही डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ, ना ही आपको बर्पिंग की कंडीशन हो रही है, ना ही फ्लैचुलेंस की कंडीशन हो रही है, और आपको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है। इवन आपके पेट में सीवियर पेन हो रहा है और आपको नॉशिएटिंग फील होता है, यानी आपको वॉमिटिंग हो जाएगी ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन आपको वॉमिटिंग भी नहीं हो रही। तो इस कंडीशन में आप रेफिनस सटाइवस मेडिसिन का इस्तेमाल करें। इसको आप 30 पावर में ले लीजिए। इसको सुबह दोपहर शाम दो दो बूंद आपको जबान पर लेना है। इसको भी आप 15 दिन इस्तेमाल करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी जो समस्या है गैस स्टक की वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। इसी तरह के और वीडियो के अपडेट्स के लिए वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसको अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव सभी को शेयर करें। इसी तरह के और वीडियो के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।